बस्तर में संभाग के महिला दंतेश्वरी महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं ने छात्रावास की मांग को लेकर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। छात्रा ने बताया कि बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों में आकर दंतेश्वरी महाविद्यालय में एडमिशन लिया है, लेकिन इस महाविद्यालय में छात्रावास नहीं होने की वजह से उन्हें शहर में ही किराए से रूम लेकर रहना पड़ता है, जिससे उनकी पढ़ाई भी प्रभावित होती रहती है। उन्होंने बताया कि उनके अभिभावक इतने सक्षम नहीं है कि कमरे का किराया भी दे सके। मामले को लेकर डिप्टी कमिश्नर ने छात्राओं को समस्या का निराकरण करने के लेकर आश्वासन भी दिया है। हम दूसरे दूसरे जिलों से बिलोंग भी करते हैं और हॉस्टल में रहने की सुविधा भी अभी नहीं है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हॉस्टल खुल जाए और रूम पे भी रहने के लिए हमको 6,000-5,000 देना पड़ता है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स उतने वो नहीं रह पाते और हमको उतना इनकम नहीं दे पाते, हमारा क्लास भी अटेंड नहीं कर पाते अच्छे से। और हम चाहते कि जल्दी से जल्दी हॉस्टल खुल जाए और सारे जितने भी बाहर से छात्र हैं उनको सबको हॉस्टल में रहने की सुविधा मिले, ताकि सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन भी कर सके और अच्छे अच्छे क्लास में भी जाए और सबका परसेंट भी ठीक बने लास्ट एग्जाम।